हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है, अ मैन रिपेस अ लोन ऑफ ₹3,250 बाई पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीजेज द पेमेंट बाय ₹15 एवरी मंथ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक मैन होता है जो एक लोन लिया होता है, उसको रीपे कर रहा होता है। लोन कितने का होता है? ₹3,250, ठीक है, बाई पेइंग ₹20 इन दी फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में ₹20 पे करता है एंड देन इंक्रीजेज दी पेमेंट बाई ₹15 एवरी मंथ। मतलब जो फर्स्ट मंथ में जो मतलब बेसिकली फर्स्ट मंथ के अंदर पहले महीने के अंदर पे करता है वो होता है ₹20। फिर आगे के महीने में ₹15 बढ़ाते रहता है वो, ठीक है, कीप ऑन इंक्रीजिंग ₹15 एवरी मंथ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर दी लोन। मतलब उसको कितना टाइम पीरियड लगेगा कि मतलब वो लोन को पूरा क्लियर कर सके, वो अपन को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये कोई एक सीरीज बन रही है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट मंथ में कितना बोला है, ₹20, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया ₹20, और जो ₹15 एवरी मंथ इंक्रीज कर रहा है तो मतलब वो डिफरेंस हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गई आपकी एपी की सीरीज हो गई है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले आंसर में लिखेंगे जो ये फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा हमारा एपी के अंदर, 20 हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में बोला है। तो डिफरेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 15 हो जाएगी, मतलब ₹15 हर महीने बढ़ाता है, राइट। हम यहाँ पे और डिटेल क्या दे रखी है, एसएन दे रखा है, जो टोटल सम है कितना है ₹3,250, ठीक है। तो बेसिकली करना कुछ नहीं, जो एसएन का फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करके हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे एसएन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एसएन का क्या है, 3,250 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या हमें पता है? नहीं, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो एन एज इट इज़ आ जाएगा, टू एज इट इज़ आ जाएगा। फिर लिखेंगे टू इंटू ए क्या है, फर्स्ट टर्म 20 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, एन माइनस वन इंटू डी क्या है, डी 15 है, राइट। तो बेसिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3,250 इंटू टू इज इक्वल्स टू एन इंटू टू टू ज़ा 440 प्लस 15n माइनस 15, ठीक है। ये हो जाएगा 3,250 इंटू टू कितना होता है, 6,500 इज इक्वल्स टू एन इंटू क्या मिलेगा, 25, कैसे, 40 और 15 प्लस 40 और माइनस 15 कितने होते हैं, प्लस 25, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस 15n एज इट इज़ जो बचा है, ठीक है। अब आप इसको कोई भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप स्प्लिटिंग के मिडिल टर्म से करो या कैसे भी कर रहे हो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जो पूरा है ना, ये इसको हम शॉर्ट बना सकते हैं, कैसे होगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे हम इसको, तो अपन को बेसिकली थोड़ा एक शॉर्ट मिल जाएगा। तो 6,500 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 1,300 इज इक्वल्स टू एन इंटू कितना होगा, 25 डिवाइड बाय 5, 5 से 25 प्लस 3n, ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया। अब ये बेसिकली हो सकता है ऐसे, जैसे आप लिख सकते हैं 3n² प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1,300, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यह फर्दर हो जाएगा n इंटू 3n प्लस 65 माइनस 20 इंटू 3n प्लस 65 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको बेसिकली n की वैल्यू क्या मिलेगी, n इज इक्वल्स टू माइनस 65 बाई 3, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आंसर नहीं मिल रहा है, और n इज इक्वल्स टू 20 इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। तो अपन बेसिकली आंसर में कंक्लूड कर सकते हैं, द मैन विल रिपे द लोन इन 20 मंथ्स, 20 मंथ्स में उसका जो लोन है वो रिपे हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर।